Hello guys, in the last lecture we talked about electric field due to a hollow shell and electric field due to a solid charge solid sphere. ऐसा charge solid sphere की जिसके total volume में charge फैला हुआ है. Now in this lecture we are going to talk about two things, that is hollow shell and solid sphere. इन दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन last lecture में हमने उसकी वजह से electric field के बारे में बात की थी. In this lecture we are going to talk about electric potential. Now consider ये एक hollow shell है. hollow shell के ये तीन point लिए हैं, जैसे हमने last lecture में भी लिए थे, A point, B point, C point. A point shell के अंदर है, B point shell के ऊपर है, यानी on the surface of the shell है, और C जो point है, C point shell के बाहर है. So इन तीन points पे electric potential क्या होगा ये मुझे find out करना है. बहुत ही easy है. यहाँ पे देखिए R, C के लिए R is greater than R, यानी C के लिए ये वाला जो पोटेंशियल है ये C के लिए है, ये पॉइंट C के लिए, ये पॉइंट B के लिए, ये पॉइंट A के लिए. C में होता क्या है, एट द पॉइंट C, आई जस्ट टेक अ पेन, ये वाला C के लिए है. सो C पॉइंट पे क्या होता है, C पॉइंट पे के क्यू अपन आर स्क्वायर E की वैल्यू है. अब मुझे पता है कि V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी आर. ये हम देख चुके हैं एट द टाइम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशनशिप के वक्त हम ये देख चुके हैं. सो यहाँ पे भी व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, मुझे ई की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो अगर इसका इंटीग्रेशन लेता हूँ और उसका निगेशन करता हूँ तो आई गेट के क्यू अपॉन आर. इसका मतलब अगर एक शेल है, ठीक है ना, उस शेल पे चार्ज क्यू है, तो पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे होगा, और उस सरफेस चार्ज की वजह से अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट स्मॉल आर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट शेल, then the potential at that point is nothing but kq upon r. potential, electric potential at that point is kq upon r. ye easy hai. dusra wala part, when r small r is equal to capital r, yani aap jis point ke bare mein baat kar rahe hain jahan pe aapko potential find out karna hai, wo on the surface of shell hai. agar on the surface of shell hai to small r is equal to small r is equal to capital r. wahan pe हमने फाइंड आउट किया था ऑन द सर्फेस ऑफ द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर. बेसिकली यही होता है, यहाँ पे यही फॉर्मूला है. बस यहाँ पे एक्चुअली ये रिलेशनशिप है, इसलिए हम स्मॉल आर को रिप्लेस करते हैं कैपिटल आर से, बाकी रिलेशनशिप सेम ही है. सो के क्यू अपॉन आर ये आता है. अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ और उसको निगेट करता हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, के क्यू अपॉन आर, यानी ऑल ओवर द सर्फेस वैल्यू सेम रहेगी. उसके बाद ये थर्ड वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ठीक से देखना. व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर, इसका मतलब पॉइंट अगर इन द शेल है, पॉइंट अगर इन द शेल है, जैसे ही पॉइंट इन द शेल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बन जाती है. ये हमने फाइंड आउट किया था गॉस लॉ यूज करके. यहां पे मुझे पता है कि ई इज इक्वल टू जीरो, ई इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी आर. अब ई इज इक्वल टू जीरो है, मुझे वो रिलेशनशिप पता है. कौन सा वाला रिलेशनशिप पता है, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी डिवाइडेड बाय डी आर. ये रिलेशनशिप पता है मुझे, जहां पे हमने डी वी बाय डी आर को कहा था पोटेंशियल ग्रेडियंट. अब अगर ये ई इज इक्वल टू जीरो अगर मैं यहां पे रख देता हूं तो माइनस डी वी बाय डी आर इज इक्वल टू जीरो. अब यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी इज जीरो, इसका मतलब वी मस्ट बी कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है ना, वी मस्ट बी कॉन्स्टेंट वैल्यू. तो कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू कितनी होगी, तो इतनी होगी. इसका ये मैथमेटिकल प्रूफ हो गया, मैं आपको इसका थियोरेटिकल प्रूफ बता देता हूँ कि हाँ पोटेंशियल क्या होता है. कि पोटेंशियल यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी अगर मैं एक कूलम का चार्ज माइनस इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं रख देता हूँ, तो वो जब आ रहा है चार्ज तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है. दैट एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वन कूलम का चार्ज है, इसका मतलब दैट एनर्जी स्टोर्ड बाय दैट वन कूलम चार्ज इज नथिंग बट पोटेंशियल. अब मैं अगर ये सपोज ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से मैं यहाँ तक उस चार्ज पॉइंट को लेके आए, ठीक है ना, तो इन्फिनिटी से यहाँ तक आने तक वो कंटिन्यूसली इस सरफेस चार्ज की वजह से कंटिन्यूसली अपोजिशन को फेस करता हुआ वो वाला चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा जब तक सरफेस तक आएगा. इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आने तक उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो
अंदर चला जाता है, शेल के अंदर चला जाता है, एट दैट पॉइंट उसको जो अपोज करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सडनली जीरो हो गई। इसका मतलब यहाँ तक इस सरफेस तक आने तक उसने जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की, अब अंदर जाने के बाद वो पोटेंशियल एनर्जी ना बढ़ेगी ना कम होगी, बिकॉज अंदर जाने के बाद कोई भी अपोजिंग या फिर सपोर्टिंग फोर्स नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ तक आने तक उसने जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जमा की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जमा की है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लेके ही वो अंदर जाएगा, ठीक है। सो जितनी पोटेंशियल एनर्जी लेके वो अंदर चला गया, मल्टीप्लाइड बाय दैट चार्ज गिव्स यू द डिवाइडेड बाय दैट चार्ज गिव्स यू द पोटेंशियल। इसका मतलब यहाँ सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल पूरा का पूरा उस शेल के अंदर होगा। इसका मतलब शेल का इनर साइड जो होता है पूरा का पूरा, दैट इज बेसिकली इक्विपोटेंशियल, पूरा ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होता है, एंड दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। इसलिए इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट, एंड दैट इज नथिंग बट के क्यू अपॉन कैपिटल आर। गेटिंग द पॉइंट, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। सो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इनसाइड आ जाता है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, ठीक है ना। शेल के आजू बाजू में सभी जगह पे हम इसको ये तीन रिलेशनशिप यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्पीयर। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ये सॉलिड स्पीयर है। सॉलिड स्पीयर की वजह से पहले दो तो कंडीशन सेम ही हो जाती हैं, एग्जैक्टली एज द हॉलो शेल। हॉलो शेल की तरह ही सॉलिड स्पीयर का भी होगा कि आर इज इक्वल टू, आर इज ग्रेटर दैन कैपिटल आर होगा, तो एकदम बाहर वाला जो पॉइंट होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, उसका इंटीग्रेशन किया, निगेशन किया, तो उसका के क्यू अपॉन आर पोटेंशियल मिला। सेम यहाँ पे भी उतना ही मिल रहा है। अब जैसे ही मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, सपोज मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया जो पूरा का पूरा आर डिस्टेंस पे है, वो पूरा का पूरा पॉइंट कहाँ पे है, इनसाइड द सॉलिड शेल है। इसका मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के वक्त याद किया था कि ये वाला जो सॉलिड शेल है, सॉरी ये वाला जो इलेक्ट्रिक ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उस वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही होगी जितनी उसके अंदर वाला ये वाला जो स्पीयर है, ये वाला स्पीयर उसको जितने चार्जेस स्टोर करके रखेगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ही ये ए के जगह पे होगी। अब मैंने ए को पकड़ के एक स्पीयर तैयार किया जिसको हमने नाम दिया था गॉशियन स्पीयर। ये वाला जो गॉशियन स्पीयर है, इस गॉशियन स्पीयर के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसका मतलब ये वाला जो गॉशियन स्पीयर है, इस गॉशियन स्पीयर की वजह से ए पे पोटेंशियल होगा। सो मुझे यहाँ पे ए पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो ए पे फॉर एनी पॉइंट विच इज लेस देन आर, E इज इक्वल टू के क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। ये हमने प्रूव किया हुआ है कि अगर जैसे सॉलिड शेल के अंदर जाना शुरू कर देते हैं तो हमारा E का फॉर्मूला चेंज होता है, दैट इज E इज इक्वल टू के क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। अब यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला ये है, V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R। बेसिकली ये वाला जो A पॉइंट है, A पॉइंट का पोटेंशियल, यानी मैं इन्फिनिटी से एक पॉइंट लेके आया, एक चार्ज लेके आया, और उस चार्ज को मैंने ए पॉइंट तक लेके आया, तो वो वाला जो चार्ज होगा अगर वो 1 कूलम का है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल एट ए, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो जब तक वो पॉइंट यहाँ तक है, ठीक है ना, इन्फिनिटी से यहाँ तक आता है, तब तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला मेरे पास है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाना शुरू कर देता है मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, विच बिकम्स के क्यू इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। यानी टोटल पोटेंशियल के लिए, बेसिकली पोटेंशियल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि द टोटल पोटेंशियल ड्यू टू दिस होल जर्नी अप टू द सरफेस प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस जर्नी अप टू द सरफेस ऑफ दिस गॉशियन स्फीयर। यानी मुझे दो इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं। ये वाला जो इंटीग्रेशन है, जब तक चार्ज आउटसाइड, यानी वो पॉइंट आउटसाइड था, और ये वाले जो है वो जब पॉइंट जो था वो इनसाइड चला गया, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल होगा। लेकिन ये वाला पोटेंशियल के लिए एक फॉर्मूला है, इस वाले पोटेंशियल के लिए अलग फॉर्मूला है। ये दोनों पोटेंशियल मिला के इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। सो विच इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर। ये वाला इन्फिनिटी से लेके आर तक लिमिट है इसका, और इसका लिमिट है आर से लेके स्मॉल आर तक, यानी अंदर जाने के बाद। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस के क्यू अपॉन टू आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, यू विल गेट दिस फॉर्मूला, आपको मिलेगा ये वाला फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला ठीक से देख लो, ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपको, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव अ लुक एट दिस फॉर्मूला
ठीक है, और इसकी प्रोसीजर समझ लो, प्रोसीजर समझ में आ जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो ये है एक्चुअली वी इनसाइड द शेल, वी इनसाइड द सॉरी शेल नहीं, इनसाइड द सॉलिड स्पीयर, इनसाइड द सॉलिड स्पीयर, ठीक है। सो बेसिकली रफली ये कह सकता हूँ मैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसका जो इंक्रीज इन द पोटेंशियल था वो ई पे डिपेंडेंट था, लेकिन अंदर जाने के बाद बेसिकली ई ही चेंज होना शुरू हो गया विथ अ डिफरेंट फैक्टर्स। सो इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ पे पोटेंशियल चेंज और इन्फिनिटी से लेके आर तक पोटेंशियल चेंज, ये दोनों अलग अलग ले लिए, दैट इज़ द ओनली थिंग इन दिस। सो हॉलो शेल के लिए मुझे पता है कि एकदम सेंटर से लेके कैपिटल आर तक वी जो है वो कांस्टेंट होता है, और उसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। लेकिन जैसे ही वो शेल के बाहर आ जाता है उसका पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे दूर जाना शुरू हो जाता है। सो बेसिकली दिस इज द वी इंटू आर हॉलो शेल के लिए, ये वाला ग्राफ जो है वी आर का ग्राफ है। सॉलिड शेल के लिए, सॉलिड स्पीयर के लिए ग्राफ इज लाइक दिस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक उसमें जो चेंज होता है दैट इज डिफरेंट, एग्जैक्टली एट द सेंटर जो होता है पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन के थ्री के क्यू अपॉन टू आर, ये एग्जैक्टली सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्पीयर उसमें इतना पोटेंशियल होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो बाहर जाना शुरू हो जाता है पोटेंशियल थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है विथ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से कम होना शुरू हो जाता है, उसके बाद अगेन इट विल गो आउट। सो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है कि जो पोटेंशियल होता है ड्यू टू सॉलिड स्पीयर वो जीरो कभी नहीं होता, ना हॉलो शेल की वजह से जीरो होता है। पोटेंशियल इज नॉट जीरो ड्यू टू हॉलो शेल और सॉलिड स्पीयर, लेकिन हॉलो शेल की वजह से हमें इक्वी पोटेंशियल सर्फेस मिलता है इनसाइड दिस हॉलो शेल, लेकिन यहाँ पर इक्वी पोटेंशियल सर्फेस नहीं मिलता है। जैसे जैसे अंदर जाना शुरू कर देते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता ही जाता है, बस उसका बढ़ने का रेट कम होता है, यानी अगर हम और ऐसे बढ़ने की बजाय उसका बढ़ने का रेट थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है ना, बिकॉज चार्ज इंक्लोज बाय द गॉसियन स्फीयर कम होना शुरू हो जाता है, दैट इज द ओनली रीजन, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एंड पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो शेल, इन दो की वजह से। सो ये वाले एग्जाम्पल जो है वो ठीक से समझ लो, गो थ्रू द बुक, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, कंसिडर करके चलो कि तीन कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, शेल्स हैं ये तीन कॉन्सेंट्रिक शेल्स है, उसमें से एकदम अंदर वाली जो शेल है उस पर चार्ज क्यू है, उसके बाहर वाली शेल जो है उस पर चार्ज माइनस टू क्यू है, उसके बाहर वाली जो शेल है उस पर चार्ज थ्री क्यू है। नाउ पहली जो शेल है उसका रेडियस है कैपिटल आर, दूसरी शेल जो है उसका रेडियस है टू आर, तीसरी शेल जो है उसका रेडियस है थ्री आर। अब ये एक पी पॉइंट है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर, स्मॉल आर डिस्टेंस पे है ये पी पॉइंट, तो यहाँ पे इस पी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बोला था पहले ही पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज का मतलब आपको वहां पे बस पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस को ऐड करना होता है, डायरेक्ट सम करना होता है। सो यहां पे मुझे पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो पोटेंशियल, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। सो ऑब्वियसली पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज नथिंग बट पोटेंशियल ड्यू टू ये इनर स्फीयर, ये हॉलो शेल, इनर हॉलो शेल प्लस ये सेंटर वाली हॉलो शेल प्लस एकदम बाहर वाली हॉलो शेल, इन तीन की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल जितना होता है वो पोटेंशियल मुझे ऐड करना पड़ता है। अब यहाँ पे ठीक से देखो कि ये जो पहली शेल है, ये पहली शेल है, ये पहली शेल और ये दूसरी शेल है, इन दोनों शेल्स के लिए पी पॉइंट जो है वो आउटसाइड द शेल है, और ये जो थ्री क्यू वाली जो शेल है, ठीक है ना, आउटसाइड द शेल। सो ये थ्री क्यू वाली जो शेल है, ये थ्री क्यू वाली शेल के लिए ये पी पॉइंट इनसाइड द शेल है। इसका मतलब ये जो Q और 2Q वाली शेल्स हैं, माइनस टू क्यू वाली शेल्स हैं, इनके लिए फार्मूला मुझे कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड 3Q के लिए मुझे कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, के क्यू अपॉन कैपिटल R, यानी R इज द रेडियस ऑफ दैट शेल। सो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली मिल जाता है, आई कैन डायरेक्टली टेल यू कि आउटसाइड पॉइंट है, इसलिए के क्यू अपॉन R मिला मुझे, ये किसकी वजह से, Q चार्ज की वजह से, ये माइनस क्यू चार्ज, माइनस टू क्यू चार्जेस की वजह से, इसलिए यहाँ पे माइनस आया हुआ है माइनस टू क्यू चार्जेस की वजह से, प्लस के इंटू थ्री क्यू अपॉन आर। अब ये थ्री क्यू अपॉन आर कहाँ से आया, बिकॉज इट इज इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल, इसलिए यहाँ पे मुझे कैपिटल आर रखना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे स्मॉल आर रखने पड़ेंगे। सो सॉल्व देम, आपको ये मिलेगा, सो वी पी इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट में वन माइनस आर माइनस वन अपॉन आर, ठीक है ना। सो ये VP पे मुझे क्या मिलेगा, पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल दीज थ्री शेल्स, इन तीन शेल्स की वजह से वहां पे
पोटेंशियल कितना होगा, वी पी इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट में 1/r - 1/R। सो ये वाला जो एग्जाम्पल है, इस वाले एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए कंसेप्ट तो एग्जैक्टली सही है, मैंने कैलकुलेशन में एक छोटी सी मिस्टेक की है, फाइंड आउट दैट मिस्टेक, ठीक है ना, वो वाली मिस्टेक फाइंड आउट करके सॉल्व और फाइनल आंसर निकाल के दिखा। नेक्स्ट, अब कंसिडर करके चलो कि ये एक शेल है, ठीक है, उस शेल पे एक पॉइंट पी है, तो उस पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब मैंने क्या किया, ये जो शेल थी इस शेल को ग्राउंड किया, ये होता है, इसे कहा जाता है अर्थिंग, ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग नहीं अर्थिंग, अर्थिंग इज द राइट वर्ड, अर्थिंग कहा जाता है, ई ए आर टी एच आई एन जी, अर्थिंग। ये जो अर्थिंग होता है, इसका मतलब एक्चुअली अर्थ को आप ये कनेक्ट करते हो, एक्चुअल अर्थ को आप कनेक्ट करते हो। अब जब एक्चुअल अर्थ को मैंने इस शेल को कनेक्ट किया, अर्थ का एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता है जीरो, अर्थ का एब्सोल्यूट, अर्थ इज सपोज टू बी एब्सोल्यूटली जीरो पोटेंशियल पे होता है। तो इसका मतलब अगर इस शेल को मैंने अगर कनेक्ट कर दिया अर्थ को, इसका मतलब उसका पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। ये जो शेल थी उसका पोटेंशियल हो गया जीरो, याद रखना। यानी जब कभी भी मैं अर्थ करता हूं तो अर्थ इज एब्सोल्यूट जीरो, अर्थ अगर एब्सोल्यूट जीरो पे है तो इस शेल का पोटेंशियल कितना हो जाता है, जीरो। नाउ फिगर शोज, एक एग्जांपल सॉल्व करके ट्राई करते हैं। फिगर शोज द टू कंडक्टिंग शेल्स ऑफ रेडियस आर एंड थ्री आर, द आउटर शेल कैरीज अ चार्ज क्यू एंड इनर शेल इज न्यूट्रल, फाइंड द चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम इनर शेल टू अर्थ द मोमेंट इट इज कनेक्टेड टू अर्थ। ठीक है, आप ठीक से देखो कि ये बाहर वाली शेल है, ये बाहर वाली शेल है और ये अंदर वाली शेल है, दोनों कॉन्सेंट्रिक शेल्स बताई गई है। अब ये दोनों जो कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, इन कॉन्सेंट्रिक शेल्स में बाहर वाली जो शेल है उसकी रेडियस है 3r और अंदर वाली जो शेल है उसकी रेडियस है स्मॉल r। अब जो इनिशियली जो q चार्ज है, q चार्ज रखा गया बाहर वाली शेल पे, ये बाहर वाली जो शेल है इस पे q चार्ज रखा गया, ठीक है। तो बाहर वाली शेल पे q चार्ज रखने के बाद अंदर वाली जो शेल है, ये वाली जो शेल है, ये इसके पूरे सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि शेल जो होती है, शेल का पूरा अंदर वाला पार्ट, ये बाहर वाली जो शेल है उसका पूरा अंदर पार्ट, ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम होगा, एंड दैट पोटेंशियल विल बी वी, विच इज नथिंग बट फॉर दिस शेल v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन थ्री आर। इसका मतलब ये अंदर वाली जो शेल है, ये अंदर वाली शेल के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, सो दैट पोटेंशियल विल बी v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन थ्री आर। ठीक है, के क्यू अपॉन थ्री आर। अब हुआ ये कि मैंने इस अंदर वाली शेल को अर्थ कर लिया, यानी अब आइडियली ये वाली जो शेल है, इस वाली शेल के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए, एब्सोल्यूट जीरो। लेकिन अभी प्रॉब्लम हो गया कि इस अर्थिंग की वजह से इस शेल के सरफेस पे आ गया पोटेंशियल जीरो, लेकिन इस बाहर वाली शेल की वजह से इस स्पेस, इस पोटेंशियल यहां पे सरफेस पे पोटेंशियल आ गया के क्यू अपॉन थ्री आर। अब ये जो अर्थ है, इट इज एब्सोल्यूट जीरो पे अर्थ है ये। अगर एब्सोल्यूट जीरो पे अर्थ है तो मुझे क्या करना पड़ता है कि ये जो अंदर वाली शेल है, तो इनिशियली तो वो शेल कैसी है, न्यूट्रल है। लेकिन अब मुझे अगर वहां पे पोटेंशियल जीरो चाहिए तो मुझे इस अंदर वाली शेल पे इतने चार्जेस लाने पड़ते हैं सो दैट बाहर वाली शेल की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है वो नलीफाई हो जाए। यानी बेसिकली जब अर्थिंग नहीं था तो इस पे इतना पोटेंशियल था, लेकिन अब अर्थिंग करने के बाद इस पे जीरो पोटेंशियल लाने के लिए मुझे इस पूरी की पूरी अंदर वाली शेल पे इतने चार्जेस लाने पड़ते हैं, सो दैट दो चार्जेस विल क्रिएट द पोटेंशियल ऑन दिस इनर शेल सच दैट दैट पोटेंशियल विल काउंटर दिस पोटेंशियल। इसका मतलब क्यू बी द चार्ज फ्लो फ्रॉम इनर शेल टू अर्थ, अर्थ से इनर शेल पे बेसिकली चार्ज तैयार हुआ और उस चार्ज की वजह से इस शेल पे उतना पोटेंशियल तैयार हुआ विच पोटेंशियल कैन काउंटर दिस पोटेंशियल, ये वाले पोटेंशियल को वो काउंटर कर सकता है। इसका मतलब दोनों का मिला के पोटेंशियल इनर शेल पे कितना होना चाहिए, जीरो। सो जीरो इज इक्वल टू के क्यू डैश अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन थ्री आर। ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल जनरेट हुआ व्हेन द इनर शेल फ्लोन द चार्जेस फ्रॉम इट टू अर्थ सच दैट इट विल काउंटर द पोटेंशियल ड्यू टू द आउटर शेल, आउटर शेल की वजह से पोटेंशियल इसकी। अब ये जीरो क्या है, जीरो इज बेसिकली पोटेंशियल ऑन द इनर शेल, वो जीरो करना है मुझे, इसलिए मुझे ये चार्जेस का मोशन करना पड़ा फ्रॉम अर्थ टू शेल और शेल टू अर्थ, व्हाटएवर, लेकिन चार्जेस का फ्लो करना पड़ा सो दैट
देयर इज जनरेशन ऑफ पोटेंशियल ऑन दिस इनर शेल. तो ये इनर शेल पे पोटेंशियल जनरेट हुआ, जिस पोटेंशियल ने आउटर शेल की वजह से इनर शेल पे जो पोटेंशियल था उसको काउंटर कर दिया. सो नेट पोटेंशियल ऑन द इनर शेल इज जीरो ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस चार्जेस क्यू डैश. सो यहाँ पे मैंने उसको सॉल्व किया. सो क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू बाई थ्री, यानी अंदर वाली जो शेल है, अंदर वाली शेल को क्यू बाई थ्री चार्जेस फ्लो करने पड़ेंगे सो दैट इट विल काउंटर, इट विल काउंटर द पोटेंशियल ड्यू टू द आउटर शेल. आउटर शेल की वजह से जो पोटेंशियल है उसको वो काउंटर कर सकता है, इसकी वजह से अंदर वाली शेल पे चार्जेस जनरेट हुआ, चार्ज जनरेट हुआ. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट गोज. नाउ अब यहाँ पे आप ठीक से देख सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना है कि अंदर वाले जो शेल है एट द एंड अंदर वाली शेल पे चार्ज था. हाँ चार्ज है, लेकिन व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द अंदर वाली शेल. सो अंदर वाली शेल पे पोटेंशियल है जीरो. इसका मतलब चार्ज ज़्यादा यानी पोटेंशियल ज़्यादा, चार्ज कम यानी पोटेंशियल कम, ऐसा हर टाइम हम कह नहीं सकते. इट इज़ डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट. उस एनवायरनमेंट में अदर कितने चार्जेस हैं उस पर डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर शेल पे या फिर एक कंडक्टिंग सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा. गेटिंग द पॉइंट. और एक एग्जांपल और एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर समझ में लेने की कोशिश करते हैं. बाय डिफॉल्ट हम कंसिडर करके चलते हैं कि सपोज एक शेल है, शेल पे मैंने चार्ज डाल दिया, तो मैंने बाय डिफॉल्ट मैं कंसिडर करके चलता हूँ कि ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, ठीक से देखना, ये वाला जो चार्ज है ये वाला चार्ज पूरे सरफेस पे फैल जाएगा. लेकिन कौन से सरफेस पे, अंदर वाले सरफेस पे कि बाहर वाले सरफेस पे. तो बाय डिफॉल्ट हम कंसिडर करके चलते हैं कि वो बाहर वाली सरफेस पे. अब हम ट्राई करेंगे कि समझने की कि बाहर वाली सरफेस पे कैसे. सो ये वाला जो विड्थ है, ये वाला जो विड्थ है इस शेल का, जो ये जो विड्थ है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बड़ा करता हूँ. ठीक है, मैंने उसको बड़ा कर दिया. वही शेल है, बस मैंने उसके जो विड्थ थी उसको, उस विड्थ को मैंने बड़ा कर दिया. अब ये वाली जो विड्थ है, ये वाली जो विड्थ है बेसिकली ये इस एंड से लेके इस एंड तक, इस एंड से लेके इस एंड तक, ये पूरा का पूरा कंडक्टिंग सरफेस है. ठीक है ना, बेसिकली कंडक्टिंग वॉल्यूम है, कंडक्टिंग, सही ना, यहाँ से लेके यहाँ तक. अब मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा जो स्पीयर था, स्पीयर है ठीक है ना, शेल है, स्पीयर है, तो मैंने एक पॉइंट ऐसे लिया, कंसिडर किया, और उस पॉइंट को कंसिडर करके मैंने इनसाइड द थिकनेस ऑफ दैट शेल मैंने गॉशियन सरफेस कंसिडर कर लिया. इनसाइड द थिकनेस ऑफ द शेल मैंने गॉशियन सरफेस कंसिडर कर लिया. अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर क्रॉसेस द कंडक्टर. कंडक्टिंग सरफेस जो होता है, कंडक्टिंग सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं जाती है. ये हमने पढ़ा था इन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में हमने पढ़ा था कि हाँ अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और सडनली मैंने इस फील्ड के अंदर एक कंडक्टिंग शीट रख दी, तो इस कंडक्टिंग शीट को क्रॉस करके कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाती है. ठीक है ना, इसका मतलब इनसाइड द कंडक्टिंग सरफेस, इनसाइड द कंडक्टिंग सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, याद रखना, यानी कंडक्टिंग सरफेस. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत, कि कंडक्टिंग सरफेस जो होता है, कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर के थ्रू कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाती है. इसका मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो. कंडक्टिंग सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब ये वाला जो गॉशियन सरफेस मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, इस गॉशियन सरफेस को क्रॉस करके जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस करके जा रही है उसको, जीरो. इसका मतलब ये वाला जो गॉशियन सरफेस है, ये वाला गॉशियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज चाहिए, जीरो. गॉस लॉ कहता है कि एनक्लोज चार्ज अगर जीरो होता है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है. इसका मतलब कंडक्टिंग सरफेस, ये वाला अगर मैं गॉशियन सरफेस कंसिडर करता हूँ, तो इसके अंदर वाला जो पूरा का पूरा सरफेस है, सॉरी पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, जीरो. तभी तो इस गॉशियन सरफेस को क्रॉस करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं गई, सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं गई. इसका मतलब ये जो क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज सिर्फ बाहर वाले सरफेस पे स्टोर होता है. जब यही तो हम कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी शेल पे रख दी थी तो चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली. लेकिन कौन से सरफेस पे, इनर सरफेस के आउटर सरफेस पे. तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि आउटर सरफेस पे वो पूरा का पूरा चार्ज स्प्रेड हो जाता है, पूरा का पूरा चार्ज स्प्रेड हो जाता है. और एक एग्जांपल इंटरेस्टिंग इस पे देखेंगे कि सपोज कंसिडर करो कि तीन कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं,
उसमें से पहली शेल जो है वो ए है, दूसरी शेल जो है बी है, तीसरी शेल जो है सी है। पहली एकदम पहली वाली जो शेल है, छोटी वाली शेल है, उस पर चार्ज हमने क्यू वन रखा हुआ है, और एकदम बाहर वाली जो शेल है उस पर चार्ज हमने क्यू टू रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे सपोज पहली वाली जो शेल है उसका रेडियस ए है, दूसरी वाली जो शेल है उसका रेडियस बी है, तीसरी वाली जो शेल है उसका रेडियस सी है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि अगर मैं इन सारी शेल्स के थिकनेस को कंसिडर करूँ, कि ये सारी जो शेल्स हैं इनके थिकनेस कंसिडरेबल है, तो हर एक शेल का एक इनर सर्फेस होगा, एक आउटर सर्फेस होगा, एक इनर सर्फेस होगा, एक आउटर सर्फेस होगा, इनर शेल का आउटर सर्फेस, ठीक है ना। तो ये इनर, हर एक शेल के इनर सर्फेस और आउटर सर्फेस पे कितना चार्ज होगा ये मुझे फाइंड आउट करना है। देखो इनर शेल जो है उस पर चार्ज क्यू वन डाला गया, एकदम आउटर शेल जो है उस पर चार्ज क्यू टू डाला गया, और सेंटर वाली जो शेल है उसको ग्राउंड किया गया, अर्थ किया गया, यानी उसका पोटेंशियल जीरो पकड़ा है। तो अब ठीक से देखो, कंसिडर करके चलते हैं कि एकदम सेंटर वाली जो शेल है उस पर जो क्यू वन चार्ज डाला है, अभी हमने लास्ट वाला स्लाइड में देखा था कि वो जो क्यू वन चार्ज है वो ऑब्वियसली बाहर वाले साइड पे पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब ए शेल जो है उसके अंदर वाले साइड में चार्ज कितना होगा, जीरो। यानी ए शेल जो है उसका इनर सर्फेस पे चार्ज जीरो, आउटर सर्फेस पे चार्ज क्यू वन। अब हम एज्यूम करके चलते हैं कि सेकंड शेल जो है उसके इनर सर्फेस पे क्यू थ्री चार्ज है, आउटर सर्फेस पे क्यू फोर। थर्ड वाली जो शेल है उसके इनर सर्फेस पे चार्ज है क्यू फाइव, आउटर सर्फेस पे चार्ज है क्यू सिक्स, ठीक है। अब हमने जो ये वाली जो पहली शेल है ए शेल की जो थी, ठीक है ना, तो लास्ट स्लाइड में हमने किया था कि ए शेल जो थी, ए शेल की थिकनेस जो थी, थिकनेस के अंदर मैंने एक पॉइंट कंसिडर करके वहां पे गॉशियन सर्फेस तैयार किया था, और उस गॉशियन सरफेस पे, ठीक है, उस गॉशियन सरफेस को क्रॉस करके जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होती है, इसकी वजह से हमने उसके अंदर वाला जो चार्ज है उसको हमने जीरो कंसिडर किया। वही चीज करेंगे हम किसके साथ, ये बी जो शेल है, बी शेल के साथ हम वही चीज करेंगे। तो बी शेल कंसिडर की, तो बी शेल जो थी, बी शेल की ये पूरी की पूरी थिकनेस है, ठीक है, बी शेल की ये पूरी की पूरी थिकनेस है। इस थिकनेस के अंदर मैंने एक गॉशियन सरफेस कंसिडर किया, इस थिकनेस के अंदर एक गॉशियन सरफेस कंसिडर किया। अब ये वाला जो गॉशियन सरफेस है, अगेन वो कंडक्टर के अंदर वाला गॉशियन सरफेस है, इसका मतलब उसको क्रॉस करके जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। अगर उसको क्रॉस करके जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो उसने एनक्लोज किया हुआ टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो। अब आप अगर देखोगे तो ये जो गॉशियन सरफेस है इसने कितना चार्ज एनक्लोज करके रखा हुआ है, दैट इज Q1 विच इज चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ शेल ए, और Q3, Q3 इज इनर सरफेस, ठीक है ना, इनर सरफेस का चार्ज है। यानी ये जो B शेल है, B शेल के इनर सरफेस का चार्ज, ये भी इस गॉशियन सरफेस ने एनक्लोज करके रखा हुआ है। व्हाट अबाउट द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ B, तो आउटर सरफेस ऑफ द B का चार्ज इस गॉशियन सरफेस ने एनक्लोज किया नहीं है, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट। अब इसका मतलब, अब ये गॉशियन सरफेस जो है इसको क्रॉस करके जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब इसने एनक्लोज किया हुआ चार्ज भी कितना होना चाहिए, जीरो। सो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट गॉशियन सरफेस फॉर बी इज Q3 plus Q1 is equal to zero. उसने कितना चार्ज इंक्लूज करके रखा हुआ है, Q3 and Q1. So Q3 plus Q1 is equal to zero. इसका मतलब मुझे क्या मिल जाता है, Q3 is equal to minus Q1. यानी यहाँ पे शेल ए जो है उसका इनर सरफेस पे चार्ज कितना है, जीरो, आउटर सरफेस पे Q1. ये जो शेल बी है उसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज है, Q3, which is nothing but minus Q1. यानी ये वाला भी चार्ज मिल गया, यानी ये वाला चार्ज मेरे पास ऑलरेडी है, ये वाला चार्ज मुझे मिल गया। और एक चार्ज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं फॉर सी। यही चीज अगर मैंने सी के लिए की, ठीक है ना, कि उसकी थिकनेस मैंने कंसिडर की और उस थिकनेस के अंदर मैंने एक गॉशियन सरफेस तैयार किया, तो उसने कितने चार्जेस एनक्लोज करके रखे हुए हैं, तो उसने एनक्लोज किया हुआ है इनर सरफेस का चार्ज, प्लस Q4 को भी उसने एनक्लोज करके रखा होगा, Q3 को भी एनक्लोज करके रखा होगा, Q1 को भी एनक्लोज करके रखा हुआ। तो यहां पे मैं बता सकता हूं आपको कि Q5 प्लस Q4 प्लस Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू जीरो, ये सारे चार्जेस एनक्लोज करके रखे हुए हैं, अगर मैं ये सिमिलर गॉशियन सरफेस तैयार करता हूँ फॉर द शेल सी। यानी Q5 प्लस Q4 प्लस Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू जीरो, बट मुझे पता है कि Q3 इज नथिंग बट माइनस Q1, इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाता है, Q5 इज इक्वल टू माइनस Q4, Q5 इज इक्वल टू माइनस Q4 मिल जाता है मुझे, Q5 इज इक्वल टू माइनस Q4। और एक चीज कर सकता हूं मैं, मुझे पता है कि VB का पोटेंशियल कितना है, VB का पोटेंशियल है जीरो,
वीबी का पोटेंशियल है जीरो। अगर वीबी का पोटेंशियल जीरो है तो इसका मतलब वीबी पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, शेल ए की वजह से होगा, टोटल चार्ज ऑन द शेल ए, प्लस शेल सी के वजह से भी होगा और खुद शेल बी के वजह से भी उस पर पोटेंशियल होगा। और इन तीनों पोटेंशियल का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, बिकॉज जीरो, बिकॉज इट इज अर्थ। इसका मतलब वी बी इज इक्वल टू के इंटू क्यू वन अपॉन बी ए की वजह से, क्यू थ्री प्लस क्यू फोर अपॉन बी खुद बी की वजह से, एंड क्यू फाइव प्लस क्यू सिक्स अपॉन सी खुद सी की वजह से। तो इसका मतलब अगर मैं एक पॉइंट इन साइड द थिकनेस, ठीक है ना, या फिर इनसाइड द बी ले लेता हूँ तो उस पर कितना पोटेंशियल होगा, तो Q1 वन अपॉन बी, बी के लिए यानी बेसिकली शेल ए के लिए वो आउटर पॉइंट है और कितने डिस्टेंस पे है, बी डिस्टेंस पे है, गेटिंग द पॉइंट, बी डिस्टेंस पे है, इसलिए Q1 वन अपॉन बी किया हुआ है हमने, नॉट ए, बी किया हुआ है। Q3 थ्री प्लस क्यू फोर अपॉन बी, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट सारे पॉइंट सरफेस पे सारे पॉइंट जो है वो बी पोटेंशियल पे ही है, और Q5 प्लस Q6 अपॉन सी किया है, बिकॉज फॉर सी शेल जो बी शेल है वो पूरा का पूरा इनसाइड है, इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, रेडियस ऑफ द सी शेल, ठीक है ना। ये सारे सारे के पॉइंट जो होंगे इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। अब यहाँ पे आप ठीक से देख सकते हो, यहाँ पे मुझे Q1 की वैल्यू पता चल गई, Q3 की वैल्यू पता चल गई, Q4 और Q5 की वैल्यू पता चल गई, Q6 की वैल्यू पता करनी है। इसका मतलब बेसिकली मेरे पास तीन अननोन है और मेरे पास तीन इक्वेशन मुझे मिल गए, सो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ईच एंड एवरी चार्ज, इनर साइड एंड आउटर साइड के चार्जेस। अब यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग ये बात आपको यहाँ पे पता चल जाएगी कि Q6 प्लस Q5 इज नथिंग बट Q2, यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे Q2 नहीं लिया, Q3 Q1 के बाद Q3 लिया था, बिकॉज Q2 ऑलरेडी असाइंड है किसके लिए, टोटल चार्ज ऑन द सी शेल। तो इसका मतलब Q6 प्लस Q5 यानी Q6 प्लस Q5 इज इक्वल टू Q2 मिल जाता है मुझे, ठीक है। अब Q4 जो होता है इज इक्वल टू माइनस Q5 मिला मुझे ये वाले इक्वेशन की वजह से। तो ये सारे इक्वेशंस एक के नीचे एक निकालो एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q3, Q4, Q5 एंड Q6 इन टर्म्स ऑफ Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 के टर्म्स में आपको फाइंड आउट करनी है Q1, सॉरी Q3, Q4, Q5, Q6 की वैल्यूज, ठीक है। सो ये वाला जो एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल बहुत अच्छी तरह से समझ लो, ट्राई टू राइट इट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस एग्जांपल, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर से ही और थोड़े से इंटरेस्टिंग एग्जांपल करने की कोशिश करेंगे। आपको मैं एक होमवर्क के लिए एक एग्जांपल देता हूँ, ट्राई टू डू दैट एग्जांपल। द एग्जांपल इज द चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सर्फेस ऑफ सॉलिड स्पीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, इट इज कवर्ड बाय द कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग हॉलो स्पीयर ऑफ रेडियस 2r, फाइंड द चार्जेस ऑन इनर एंड आउटर सर्फेस ऑफ हॉलो स्पीयर इफ इट इज अर्थ, कंसिडर द थिकनेस ऑफ शेल। यानी ये वाला जो इनर सरफेस, इनर जो सॉलिड स्पीयर है उस पर मैंने Q चार्ज डाला हुआ है, उसकी रेडियस कैपिटल R है, बाहर एक हॉलो शेल है विच इज अर्थ एंड उसकी वजह से वहाँ पे बाहर वाला जो शेल है वहाँ पे 2R रेडियस जिसकी है उसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस मुझे कंसिडर करनी है। और लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है एग्जैक्टली उसी एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे भी मुझे इनर और आउटर साइड में क्यू चार्जेस फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। मैं आपको एकदम छोटा सा पार्ट बता देता हूँ। R2 इज द डिस्टेंस ऑफ द इनर पार्ट फ्रॉम द आउटर शेल, ठीक है ना। R2 इज द डिस्टेंस ऑफ इनर पार्ट ऑफ द आउटर शेल, यानी बेसिकली ये जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस ऑफ द शेल है वो कितनी है R2, एंड आउटर रेडियस ऑफ द शेल जो है वो कितनी है R3। ये मैं ऐसे कंसिडर करके चल रहा हूँ। तो V इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है ना, एट ए डिस्टेंस सच दैट R इज ग्रेटर देन R3। यानी मैं यहाँ पे एक V पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ बिटवीन द थिकनेस, ठीक है ना, आउटर एंड इनर शेल के बीच में, ठीक है ना, सॉरी आउटर एंड इनर रेडियस के बीच में एक थिकनेस पे यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ B, तो वहाँ पे V पोटेंशियल फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है ना। ऑब्वियसली वहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, जीरो, बिकॉज द होल शेल इज अर्थ। तो शेल के पूरे ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। देखो पोटेंशियल जीरो होना यानी चार्ज जीरो होना नहीं होता, ठीक है ना। मैंने बस वो रैंडमली एक पॉइंट कंसिडर किया है कि हाँ ये जो थिकनेस है इस थिकनेस के बीच में, ठीक है ना, ये शेल जो है वो शेल के थिकनेस के बीच में यहाँ पे मैंने एक पी पॉइंट कंसिडर किया है, ठीक है ना। ये वाली जो है वो आर टू है, ये वाली जो है वो आर थ्री है, तो उन दोनों के बीच में मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया है विच इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर। तो वहाँ पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए, तो वहाँ पे पोटेंशियल वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, यानी
इनर सरफेस, इनर शेल जो, इनर सॉलिड स्फीयर जो है उसकी वजह से वहाँ पे चार्ज होगा, ठीक है ना, उसके सॉरी पोटेंशियल होगा। उसके बाद क्यू अपॉन आर, ये वाला भी पोटेंशियल होगा, एंड क्यू डैश अपॉन आर थ्री, ये वाला भी पोटेंशियल होगा, एंड जीरो ये वाला भी पोटेंशियल होगा। तो आपके लिए टास्क ये है, फाइंड द मिस्टेक इन द होल एग्जाम्पल जो मैंने सॉल्व किया है आपको। पीछे वाला एग्जाम्पल भी आप ठीक से समझ लो, ठीक से करो, दो तीन बार ट्राई करो सॉल्व करने का, और इस एग्जाम्पल में फाइंड द मिस्टेक, रेक्टिफाई इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू डैश। क्यू डैश की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है लास्ट एग्जाम्पल से, इस एग्जाम्पल में कहाँ पे मिस्टेक है ये मिस्टेक फाइंड आउट करके। सो दैट्स ऑल, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के अलग अलग एप्लीकेशंस किए हम लोगों ने, कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए, और एग्जाम्पल्स कुछ अगर सॉल्व करना है तो ट्राई टू गो फॉर डीसी पांडे और आरसी, सॉरी डीसी पांडे एंड एचसी वर्मा। एचसी वर्मा में भी आप कुछ अच्छे वाले एग्जाम्पल्स वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। हम और थोड़े थोड़े एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू एंटर इन द डायलेक्ट्रिक्स एंड देन फाइनल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स में हम घुस जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो ट्राई टू सी दिस लेक्चर वेरी केयरफुली। थैंक यू।